चला इस पे नॉर्मल, मतलब एक हाइपर में तो पॉसिबल ही नहीं है चलाना, स्पोर्ट्स तक ठीक है, हाइपर पॉसिबल नहीं, आप टाउन में नहीं चला सकते, कीलेस है, शेयर नहीं कर सकते हैं कोई दोस्त मांग के ले जा नहीं सकते, हिलता नहीं है, वाइब्रेट नहीं करता इंजन, आपको आप जब तक क्लस्टर नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा कि 100 क्रॉस कर चुका था वो, दैट्स ग्रेट। सो हे गाइस, दिस इज फरहान अफजल, वेलकम टू माय YouTube चैनल, आपने पीछे शायद देख लिया होगा। आज हम रिव्यू करने वाले हैं, आज पहली बार मैं रिव्यू करने वाला हूं किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल का। यकीन मानिए अब ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग व्हीकल है, हमारे शहर में भी बहुत सारे लोगों ने लिया है, और लकली मुझे एक मेरे भाई मिल गए जो हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी एक ओला की बाइक ली है जो लगभग 1000 किलोमीटर से ऊपर की राइड उन्होंने कर ली है। तो लेट्स डिस्कस, सबसे पहले हम इसके प्रोस कॉन्स को देखेंगे, क्यों लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए, और हमें ये देखना होगा कि क्या ये रिलायबल है, लंबे समय के लिए चलेगी, स्पीड ब्रेक्स सस्पेंशंस और कितने लोग कैरी करती है, क्या क्या अभी इन्होंने बताया कि अभी OS यानी जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी अपडेट हुआ है, तो क्या क्या क्रिएटिविटी है, कई सारे मोड्स है इसमें, तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या है जो इसमें हमें अट्रैक्टिव मिलता है, कौन सी चीज़ है जिससे ओला ने ज़बरदस्त बनाया है और कौन सी चीज़ है जिसपे ओला को अभी भी काम करना पड़ेगा। तो लेट्स डिस्कस विद द यूज़र, यूज़र ही असली बता पाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पहले थोड़ा वॉक अराउंड हो जाए। सो गाइस देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं भाई, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। अगर मैं इसके वॉक अराउंड से स्टार्ट करूँ तो मैं स्टार्ट करूँगा पीछे से। यहाँ पर देखिए बैकलाइट है, प्लस आपको यहाँ पर आपको दो इंडिकेटर्स दे दिए गए हैं, ऊपर उठेंगे तो यहाँ पर आपको चार्जिंग लाइट है, यहाँ पर आप चार्जिंग का जो प्लग है इसमें आप चार्ज कर सकते, तो ये जैसे बैटरी पॉइंट है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर बैटरी पॉइंट चार्जिंग पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पर, ये काफ़ी खूबसूरत है और मतलब इजी पड़ेगा, इजी टू हैंडल, बहुत ही ज़्यादा जगह दिया गया है इसके डिक्की में, तो अगर डिक्की को मैं ओपन करूँ तो मेरे पास एप्लीकेशन से मैं ओपन कर सकता हूँ और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से भी ओपन कर सकता हूँ, और डिक्की जो साइज़ है बहुत ही ज़्यादा है, ये देखिए एप्लीकेशन से मैंने ट्रंक पर क्लिक किया, ये फट से ओपन हो गया, देख रहे हो आप, 6 नारियल बड़े बड़े, प्लस उसके अंदर भी काफ़ी सामान है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, तो मैं बोलता हूँ कि कंप्यूटर सेगमेंट में ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट इधर अगर आप देखेंगे तो इसके सस्पेंशंस दिखेंगे आपको, तो देखिए आप, आपने कभी बाइक्स में देखा होगा कि सस्पेंशंस हमेशा वर्टिकल रहते हैं पर ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये दोनों तरह से काम करता है, यानी आपको वर्टिकली भी काम करेगा हॉरिजॉन्टली भी काम करेगा। यहाँ पर दो पैडल रैप दिए गए हैं, यहाँ पर आप अपने पैर को रख सकते हो, ये काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जगह दिया गया है, दो स्पीकर्स मिल जाएंगे, एक USB चार्ज केबल मिल जाएगा और साथ ही कैरी करने के लिए एक बार्स होता है, हैंडल बार वो है। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर, तो काफ़ी सारे बटन्स हैं यहाँ पर, अलग अलग यूज़ हैं, ये पावर बटन हो गया, ये मोड चेंजिंग का हो गया, ये म्यूज़िक कंट्रोल हो गया, इधर भी अगर आप देखेंगे तो अपर डिपर हो गया और लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स, हॉर्न इधर ही दिया गया, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और मैं इसको अभी ओपन करके भी दिखाऊँगा। सामने से अगर देखेंगे लुक, तो लुक देखने में ही बनेगा, यहाँ पर ओला की ब्रांडिंग जो काफ़ी स्मूथ और सिंपल है, साथ में यहाँ पर आपको DRLs दिए गए हैं चारों तरफ हेडलाइट के, और दो प्रोजेक्टर लाइट है, यहाँ देखेंगे तो सिंगल आपको एक शॉकर है जो सिंगल ही काम करता है, और साथ में एक डिस्क ब्रेक, और जो व्हील्स है वो एलो व्हील्स है, और यहाँ पर जो मुझे सबसे अट्रैक्टिव लगता है ओला का, अभी एकदम नए ज़माने के हिसाब से बनाया गया था, कितना शानदार लग रहा है ये इंडिकेटर, ज़बरदस्त। इसका वॉक अराउंड देखिए आप पूरी तरीके से, तो ये काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। लेट्स डिस्कस, अब यूज़र को बुलाते हैं। सो गाइज वेलकम करते हैं रोहित भाई का, रोहित हमारे ही मित्र हैं, वेलकम रोहित जी, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये बाइक ली और थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाला इसके लिए। रोहित सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कलर काफ़ी खूबसूरत है आपने जो ऑप्ट किया है, आपने ये कब लिया था, कितने दिन हो गए? ये अप्रॉक्स 1.5 महीने हो रहे हैं मुझे, 6 मई को ये गाड़ी डिलीवर हुई थी, 6 मई को ओला की सर्विस वैन आई थी, वो डिलीवरी वैन, वो मुझे डिलीवर दी थी इसने। रोड आके ये लगभग 152 के आसपास कुछ पड़ रहा था, एक वो इंश्योरेंस भी रहता है इसमें साथ में, और फिर इंश्योरेंस था प्लस और भी कुछ चार्जेस लेके, ओवरऑल रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा लेके 152 के आसपास ये पड़ रहा था। इसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान तो नहीं लेना पड़ा ओला की तरफ से, मतलब एक्स्ट्रा तो एक्सेसरीज नहीं लगाया उन्होंने? ये आपको एक व्हीकल लाके दे देगी और ऊपर से एक चार्जर अपना देता है, एक एबीसा चार्जर देगा साथ में, बस
बस। और ये कवर वगैरह देता है, जनरल आइटम? बस जनरल आइटम। और अलग से जैसे वहाँ स्टैंड होता है, ये बॉडी कवर ये सब नहीं देते? नहीं, ये वो शोरूम में जो चीज होता है वो सब ऐसा कुछ नहीं लेते हैं, बस ये फाइनल है। सो आपने 1.52 लाख इन्वेस्ट किया ओला में विदाउट एनी, कोई ऐसा बहुत पुराना हिस्ट्री नहीं था ओला का बाइक से रिलेटेड, और अभी मार्केट में बहुत सारी रिवैलरीज है इसकी, पेट्रोल में है और लोग अभी पेट्रोल ही चूज कर रहे हैं। कई लोगों से मैंने सुना ओला जल जा रही है, ओला ये हो जा रहा है, ओला काम नहीं कर रहा, ओला दो भागों में बढ़ जा रहा है। इतने सारे ट्रस्ट इश्यूज होने के बाद भी आपने ओला पे ट्रस्ट किया और साथ में रिवैलरीज इतनी सारी है आपके पास, तो आपने इसे क्यों चूज किया रोहित? जितना ये हाईटेक अभी ये दे रहा है, हाँ, उतना अभी मार्केट में आप कंपेयर करेंगे तो उतना हाईटेक और ओएस बेस्ड कोई स्कूटर है ही नहीं अभी तक मार्केट में। बिल्कुल सही है, पहला ये है। दूसरा है कि फ्यूचर अभी इसी का आने वाला है। दूसरी है कि फ्यूचर आए इसका या ना आए, अभी अपने को पेट्रोल से कंपेयर करिए तो ये सस्ता होने वाला है। मतलब अगर आप ओवरऑल बैटरी लाइफ का यूज करेंगे तो इसका आप रिकवरी कर लेते हो, और जहाँ तक हाँ वो बहुत अच्छा आपको लगेगा यूज करने के बाद। और सही है, इससे पहले आपने बताया कि आपका इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ काफी अच्छा रिलेशन है, तो आपने बताया पहले भी यूज कर चुके हो, तो कैसा रहा उसके साथ एक्सपीरियंस? मैंने हीरो का ऑप्टिमा लिया था, उसका बेस वर्जन लिया था, 200 वाट का मोटर लगा हुआ था। अच्छा, शुरू में बहुत डाउट लग रहा था वो सक्सेस करेगा या नहीं, नहीं करेगा, मगर मेरा अभी वो लगभग 3 साल होने जा रहा है। अच्छा। एक दो मंथ में, और अभी भी वो स्कूटर बहुत सक्सेस है। मैंने बहुत रफ यूज किया है उससे, और बहुत मतलब स्टाफ को देख के और बहुत सामान उसमें ढोया है, मतलब उसको बेसिकली आपने सामान ढोने के लिए ले लिया। हाँ, करवा दिया उसको लास्ट, तो लास्ट में कर दिया अभी वो। और इतना मतलब जब तक मतलब क्या कहूँ, जितना मतलब आप पेट्रोल स्कूटी से नहीं ढो सकते हो ना सामान, उससे ज्यादा आप उससे ढो सकते हो आवाज के बिना, बिना आवाज के, और बहुत कंफर्टेबल। अभी कुछ अंदरूनी बात करते हैं, कुछ हार्ट्स की बात करते हैं। अगर आपने इसको लिया है, आप बता रहे हो पेट्रोल से काफी ज्यादा अच्छा है, तो इसका जैसे मोड कितने सारे हैं इस व्हीकल में? मेरा तो जैसे ये S1 Pro है, S1 Pro, चार मोड आ जाते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर। इको, स्पोर्ट्स, नॉर्मल और हाइपर, क्या रेंज है? जैसे इको हो गया आपका माइलेज का रेंज हो गया। अच्छा। उस पे जब 100% चार्ज होता है तो 170 ये शो करता है, 170। फिर नॉर्मल में 135 शो करता है। हाँ। उसी तरह से स्पोर्ट्स और हाइपर में रिड्यूस होते जाता है, रिड्यूस होते तो जाता है, तो ये पावर बढ़ता है उसमें। अच्छा, तो आपने अभी तक इससे हाईएस्ट कितना अर्न किया, कितना आपको मिला इससे हाईएस्ट? मैंने ऐसे ट्रायल, मैंने एक दिन केवल इससे चेक कर रहा था कि कितना स्पीड जाता है, तो मैंने 105 तक इसको ले गया। अच्छा। और उसके बाद फिर बहुत स्मूथली ये गया और बहुत ही फास्टली इसने स्पीड अचीव किया था। और रेंज कितना दिया हाईएस्ट आपको अब तक, एक राइड में कितना किलोमीटर चली है? ऐसा मैंने कभी किया नहीं है, क्योंकि मैंने अभी मतलब विद इन टाउन चलाता हूँ। अच्छा। तो विद इन टाउन में आप कोई भी व्हीकल वो तो प्रॉपर माइलेज देगा नहीं, क्योंकि ब्रेकिंग है, फिर स्प्लेटर है, तो वो थोड़ा सा अभी मैंने कभी वैसा लॉन्ग राइड पे गया 100 से ऊपर गया है एक बार भी? मैंने लॉन्ग राइड के भी गया ही नहीं हूँ, अभी एक महीना हो रहा, डेढ़ महीना। और शहर में आप एक बार चार्ज करते हो तो कितना रेंज देता है मैक्सिमम? अभी पर डे जैसे मान लीजिए चलिए 30-40 किलोमीटर चलता हूँ। हाँ। पर डे तो मुझे लगता है ये 3 दिन आराम से चल जाता है। वाओ, मतलब 120 के लगभग चलता है, और बेसिकली आप उसको नॉर्मल में ही चलाते हो? नॉर्मल में ही, 90% नॉर्मल में, 10% स्पोर्ट्स में कभी डाल देता हूँ। अच्छा, मूड किया तो रिप्स करने का मन नहीं, रिप्स नहीं, जैसे कभी खाली रोड दिखाना तो अब लगता है कि नहीं तानना चाहिए, तो वो स्पोर्ट्स में क्या था स्पीड जल्दी पकड़ता है। मोड्स चेंज कैसे होता है, फ्रीक्वेंटली होता है या कुछ प्रॉब्लम्स है? नहीं, वो बहुत इजीली होता है, आप क्लिक करेंगे वो मोड चेंज हो गया और तुरंत एक्शंस होते हैं उस पे। वो आपको कुछ स्टॉप नहीं करना है, रुकना नहीं है, बस आपके बटन हाथ में है, बटन प्रेस करिए, मोड चेंज ऑटोमेटिकली। वाओ। अच्छा, इसमें जब आप बैठते हो कंफर्ट कैसा बाइक का, रोड पे पकड़ कैसा? अभी बरसात के दिन आ रहे हैं, जून का लास्ट चल रहा है, मतलब जुलाई स्टार्ट हो गया ऑलमोस्ट, तो कैसा रोड पे पकड़ा, क्या आपको डर लगता है, कैसा है? पकड़ अच्छा है। हाँ। सीट इतने कंफर्टेबल है कि अभी तक इतना कंफर्टेबल सीट किसी का नहीं देखा है। सीट बहुत कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है, जर्क आपको बिल्कुल भी महसूस एज अ कंपेयर अदर टू व्हीलर्स नहीं होगी, जर्क नहीं महसूस होता है एज अ कंपेयर टू अदर टू व्हीलर्स। मतलब अगर आप पेट्रोल का बात करो यहाँ पे, जैसे एक्टिवा वगैरह इन सब की बात करो, किसी भी आप टू व्हीलर के कंपेयर बेस्ट सॉकर, सॉकर बेस्ट है अब तक जो आपने चलाया है। तो पिलियन राइडर कभी आप लेकर चले हो पीछे के राइडर्स को? क्या कुछ फर्क हुआ पावर में या फिर कुछ ऐसा सस्पेंशन? कुछ नहीं, कभी कुछ फर्क नहीं, जैसे पेट्रोल स्कूटी आपको लगता है सेम, ये सेम पावर में कुछ फर्क नहीं है, फर्क नहीं, इतना हाई पावरफुल मोटर लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पीड कैसा है इसका? बहुत जबरदस्त। आपने 105 अर्न किया इस पे, और उस समय क्या कैसा स्टेबलाइजेशन रहता है स्पीड में, कुछ फर्क है? हिल डुल नहीं, कुछ नहीं, हिलता नहीं है, वाइब्रेट नहीं करता इंजन? आपको आप जब तक क्लस्टर नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा कि 100 क्रॉस कर चुका था वो।
दैट्स ग्रेट, मतलब अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं देखूंगा, स्पीडोमीटर नहीं देखूंगा, तो पता नहीं चलेगा कि 105 का पता ही नहीं, आप कितना भी स्पीड चलाओ, आपको जब तक क्लस्टर नहीं देखेंगे आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इतना स्पीड चल रहा है ये। वाओ, तो ब्रेकिंग कैसा है? ब्रेकिंग के बारे में मैंने काफी ट्रोलिंग सुना है, तो ब्रेकिंग्स कैसे हैं इसके? ब्रेकिंग अच्छी है, डिस्क है, रुकती है, बट मुझे लगता है कि ABS होना चाहिए था, इतना हाई स्पीड व्हीकल है तो ABS थोड़ा होता तो ज्यादा बेटर होता है। ऐसा ही मतलब तुरंत गिरा था तो मुझे लगा कि कहीं डेंट वगैरह आएगा, अगर कुछ नहीं हुआ, मुझे तो विश्वास ही नहीं था, मुझे लगा कि कुछ डैमेज जाएगा, पर कुछ हुआ, मतलब बाइक गिरी और आपको कुछ भी नहीं हुआ, स्क्रैच भी नहीं? नहीं, वो मतलब स्पीड में नहीं था, मुझे लगता है कि बस ऐसे ही 10-12 के स्पीड में होगा। जमीन पे गिरी थी लेकिन? हाँ, जमीन पे, रोड पे गिरी थी, पिच रोड थी, मगर मुझे बॉडी में कहीं भी कोई डेंट वगैरह नहीं दिखा, ना फाइबर की बॉडी, मुझे लगा कि कहीं टूट जाएगी, मगर कुछ हुआ नहीं था। ऐसा बॉडी में इसका एक प्रॉब्लम है ना कि सारा बॉडी ये सेट अच्छा से नहीं करता है, जैसे सपोज करिए कि आप कहीं पे जैसे ये फिटिंग वगैरह देखेंगे, अच्छा फिटिंग, तो ये फिटिंग आपको प्रॉपरली दिखेगी, कहीं पे ज्यादा ज्यादा ये जैसे स्पेस बहुत ज्यादा दिखता है कहीं पे, तो वो प्रॉब्लम है बॉडी बिल्ड में, मगर एज ए क्वालिटी कहेंगे तो अच्छी है, ठीक है। सो रोहित भाई, आपने जैसे बताया कि काफी दिन हो गए आपको, लगभग 1000 किलोमीटर से ऊपर चल गई आप, तो आपको ये बता सकते हैं, मतलब एक सीधे लैंग्वेज में बोलूँ तो कितनी, आपने कभी बैटरी देखा कि कितना खाता है ये इलेक्ट्रिसिटी? ऐसा तो ध्यान नहीं दिया है, बट मुझे लगता है कि अगर ये हार्डली, मुझे लगता है कि 5 से 6 यूनिट इसका चार्ज में, 5 से 6 यूनिट, मतलब अगर हम लोगों का जो यूनिट है तो अभी तो 3.5-4 रुपये है, तो लगभग 4 या 5 पैसे पड़े हैं। वाओ, बहुत ही सस्ता और बहुत सही है ना। थोड़ा सा मुझे ना आप शॉर्ट्स दिखा सकते हो कि ये नॉर्मल मोड में कैसे आप जाते हो, फिर हाइपर मोड में कैसे जाते हो? लॉक करना पड़ता है यहाँ से, ये देखा होगा आपने, ये देखें, यहाँ अनलॉक हो गया, यहाँ 2 म्यूज़िक सिस्टम के साथ आवाज़ तेज आती है। तो रोहित भाई अभी स्टार्ट करने वाले हैं, और क्या ज़बरदस्त लग रहा है रोहित भाई, आपके हाइट के हिसाब से ये मैच कर रही है बिल्कुल, ये नॉर्मल मोड पे है। वाओ, देखा आपने किस स्पीड से जा रहा बंदा, तो देख रहे हो बंदा कितना जच रहा है इस पे, नॉर्मल मतलब एक अच्छा लुक दे रहा है, इसकी हेडलाइट्स क्या ज़बरदस्त है ना, दिन में इतनी ब्राइट है। अब यहाँ पर हाइपर मोड पे है रोहित भाई, ज़बरदस्त, वाओ, सन स्पीड काफ़ी तेज़ है, मतलब इनिशियल जो पिकअप है वो आप देख रहे हो कितना शानदार है, वाओ, मुझे लगता है कि इसका इनिशियल पिकअप मेरे एफ़ज़ेड से भी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा है ना। हाइपर में टाउन में चलाना पॉसिबल नहीं है, हाइपर में पॉसिबल नहीं है, टाउन में आप चलाते भी नहीं उतना ज्यादा, हाइपर में तो पॉसिबल ही नहीं है चलाना, स्पोर्ट्स तक ठीक है, हाइपर में पॉसिबल नहीं, आप टाउन में नहीं चला सकते इससे, नहीं। वाओ, इसको हार्डली 5 सेकंड लगेंगे ये 60 क्रॉस करने में हाइपर में। वाओ, दैट्स ग्रेट, तो उसको भी कम कर सकते हैं। सो अभी आपको इस बाइक में जो सबसे बेस्ट चीज लगती है वो क्या लगती है? इसका ऑन ऑफ सिस्टम, ऑन ऑफ सिस्टम, कीलेस है, शेयर नहीं कर सकते हैं कोई दोस्त मांग के ले जा नहीं सकता, चोरी नहीं हो सकती बाइक, GPS है, इनबिल्ट, कोई चोरी का टेंशन ही नहीं है ना, नहीं। और इसमें मतलब ओला की सर्विस भी आपको काफी बेहतर लगी, आपने बताया होम सर्विस, घर पे आकर ले जाते, कितनी बार भी कुछ इरिटेट वगैरह नहीं होते, या बोलते नहीं कि सर आपने क्यों इतना खराब, बार बार खराब कर रहे, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने? कस्टमर अभी नया व्हीकल लेके खराब कौन करेगा, मगर वो ऐसा कुछ कंप्लेन, क्योंकि उनकी कंप्लेन देने की टीम अलग है, सर्विस की टीम अलग है। तो रोहित भाई, अभी मैंने इस कैमरे को अपने हाथ में ले लिया और जानना ये चाहता हूँ कि इसमें क्या फीचर्स है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप बता रहे थे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ दिक्कत है, तो आप ये बता सकते हो कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम में बग क्या क्या लग रहे हैं आपको, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो फीचर्स के बारे में आप थोड़ा बता दो हमें। इसका सबसे बेस्ट फीचर मुझे लगता है, हाँ, ये कीलेस है। क्या है? कीलेस है, कीलेस है, नहीं है चाबी, नहीं है चाबी, नहीं है, आप अपने फ्रेंड को चाबी नहीं दे सकते हो और इसमें आप मतलब ऑन कैसे करते हो, पासवर्ड वगैरह रहता है? ये दो तरीका से ऑन होता है, या तो आप यहाँ पे स्क्रीन में जब प्रेस करेंगे तो ये आपको स्क्रीन ये पासवर्ड मांगेगी, पासवर्ड, तो ये जैसे फोन रहता है ना वैसे, या तो फिर आपका दूसरा ऑप्शन है कि आप ऐप अपने फोन पे ऑन करेंगे, टाइम ले रहा है, ठीक है, ये जैसे ही आप ऑन करेंगे ना ये, तो यहाँ पे अनलॉक का और ये ट्रंक ओपन करने का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं इसे, ये आपका ऑन हो जाता है स्कूटर। वाओ, अभी ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और ये सारे कीज है, फंक्शंस है, इसके बारे में कुछ बताइए आप मुझे। ये पावर बटन है, अच्छा, ये ऑन ऑफ के लिए यूज होते हैं, हाँ,
फिर ये मोड चेंज बटन है। अच्छा, इससे आप 4 मोड में टॉगल कर सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर ये आपका वॉल्यूम बटन है। हाँ। और ये नेक्स्ट वीडियो ये नेक्स्ट ऑडियो चेंज करने का, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट ऑडियो चेंज हो जाता। अच्छा। है और ये सिंगल प्रेस पे वॉल्यूम बटन चेंज होता है। ये प्ले पॉज बटन है। अच्छा, ठीक है। इधर जब आएंगे हम राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आपका रिवर्स का बटन है। रिवर्स जाती है बाइक? रिवर्स जाती है स्कूटर। वाओ, मतलब आपको पीछे ढकेलने की जरूरत नहीं है? नहीं, ये 2-3 के स्पीड तक रिवर्स जाती है। तो इसमें क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। हाँ, ये रिवर्स जब आप राइड कर रहे हैं। हाँ। तो जब आप राइड करते हुए इसको 20 के स्पीड से ऊपर रहते हैं। हाँ। तो अगर आप इसको डाल लेते हैं, दाबते हैं ना। हाँ। तो ये आपका क्रूज कंट्रोल पे चला जाता है, वो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर। बहुत इजी है, ये ट्रैक है, इसमें गाना वाना सुन सकते हैं हम? हाँ, वो बजेगा आराम। वाह, मतलब चलते चलते आपको इसमें ये कि हेडफोन्स लगाने की जरूरत नहीं है। और ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा स्पीड में आवाज बिल्कुल नहीं आ रही हो? नहीं, साउंड बहुत इसका हाई है, आपका इतना सफिशिएंट। वाओ, ये प्लस ये कितना आपका ये जाएगा इको मोड पे, नॉर्मल पे, स्पोर्ट्स पे कितना जाएगा? ये टॉप स्पीड आपने क्या चलाया है और ये सब ऑप्शन का कभी नहीं भी करेगा। अच्छा, तो ये तो बोल रहे थे कि अपडेट आएगा तो उसमें वो सारा ठीक हो जाएगा। अच्छा, और ये रेगुलरली अपडेट्स दे रहे हैं अपने स्कूटर पे। अच्छा, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं धीरे धीरे ये कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, बट यही है कि पब्लिक से इन्होंने कस्टमर से पैसा ले चुका है ये फीचर दिखा के। हाँ। और अभी तक इनका सिस्टम मतलब अभी अपडेटेड नहीं है सारा। अच्छा, मतलब जो अमाउंट है वो पहले ले लिया वो चीज दिखा के जो अभी अपडेटेड नहीं है, अपडेटेड नहीं है या फिर बहुत स्लोली वो डिलीवर कर रहे हैं, ये गलत है। बाकी ओवरऑल अगर आप सॉफ्टवेयर छोड़ दें, ओएस छोड़ दें, तो स्कूटर वर्थ है। हाँ। तो आप इसको रिकमेंड करते हो कि नहीं कि ये बाइक स्कूटी लेनी चाहिए कि नहीं? अगर आप अपने घर में फर्स्ट टू व्हीलर ला रहे हो तो नहीं। रोड प्रेजेंस कैसा है, आप जब चलाते हो लोग देखते हैं क्या, कैसा प्रेजेंस है? डिजाइन यूनिक है। हाँ। लोगों को अट्रैक्ट करती है, एक नजर में लगता है कि कुछ अलग गया, अलग गया, जैसे मुझे अट्रैक्ट किया था इसने। ओवरऑल आप इससे सेटिस्फाई हो? ठीक है। कुछ सजेशन देना चाहेंगे आप ओला को? ओला सिस्टम अपडेटेड होना चाहिए, ओएस अपडेटेड होना चाहिए, तभी मार्केट में लॉन्च आए तो अच्छा रहता है। नहीं तो बग्स के कारण कस्टमर का बग्स हो जाता है। अच्छा, तो थैंक यू सो मच रोहित आपका ये कीमती समय देने के लिए। कि कितना देर लग जाता है इसको चार्ज करने में? लगभग 7 घंटे लग जाते हैं आपको। 7 आवर्स फुल चार्ज होने में, 0 से 100। 0 से 100। हाँ। उसके बाद आपको लगभग 100 से ऊपर किलोमीटर देता है, लेकिन आपने कभी उसे टेस्ट नहीं किया क्योंकि मौका नहीं मिला, बिजी थे आप। ठीक है, कभी अगर आप टेस्ट करोगे या हम लोग दोनों कभी लॉन्ग राइड पे जाएंगे तो एग्जैक्ट इसका माइलेज निकालेंगे। तो थैंक यू सो मच रोहित। थैंक यू। तो देखा गाइज आपने रोहित की बातें सुनी, उन्होंने हमेशा रिकमेंड किया है इस बाइक को, लेकिन ये बोला है कि फर्स्ट जो साउंड बंद कर दे रहे हैं, इसके साउंड को जीरो कर सकते हैं हम यहाँ से भी। इसका टच कैसा काम करता है? अच्छा, अच्छा काम करता है। मतलब रहते रहते मुझे बहुत सारे सवाल इसके बच ही जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अभी समय भी कम है और बहुत ज़्यादा बड़ा रिव्यू नहीं कर सकते। तो ओवरऑल ये बाइक मुझे भी पसंद आई, मैंने अभी चलाई तो काफ़ी स्मूथ है, आवाज़ बिल्कुल नहीं है। स्पीड का तो पूछिए मत, अगर हाइपर मोड में कर देते तो मुझे लगता है कि FZ से ऊपर जाएगी ये बाइक, इतनी टॉप स्पीड है। जब तक हम गियर चेंज करते ये 70 से पार हो चुकी होती है। तो कैसा लगा आपको रिव्यू, आप ज़रूर बताइएगा। ओला बाइक का कुछ और भी जो क्वेश्चन अगर वो रह गए हों, सर्विसेज से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड, स्पीड, सस्पेंशन या कोई भी चीज़, तो आप ज़रूर पूछिएगा। रोहित हमारे साथ ही रहते हैं, मैं आपको गेट बैक करूँगा। थैंक यू सो मच टीम।